आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से। अनसीन पैराग्राफ है ये, और इस अनसीन पैराग्राफ में किस तरह से क्वेश्चन देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको एक बार फिर समझना पड़ेगा। लेकिन अनसीन पैराग्राफ को सॉल्व करने से पहले इस संबंध में एक जरूरी बात जरूर कहूँगा, आप हर एक पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो हर बार आपको एक नई कॉम्प्लिकेशन समझ में आएगी, क्योंकि हर एक पैराग्राफ का सेंस अलग होता है, हर पैराग्राफ के क्वेश्चंस अलग होते हैं और उनके पूछने का ढंग भी अलग होता है। तो आप 20 पैराग्राफ सॉल्व कर जाओ तब भी आपको 21वां पैराग्राफ आपको टफ ही लगेगा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस इनकी करनी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पैराग्राफ को सॉल्व करने का अपना एक ही तरीका है कि आप उसको खुद अपने सेंस में समझ करके अपने अकॉर्डिंग आप उनके आंसर दें। हालांकि होता तो पैसेज के अकॉर्डिंग है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में, मेरा कहने का मतलब है कि अपनी लैंग्वेज में आंसर दें जब आप उसके सेंस को समझ लें। अब ये डिपेंड करता है कि वो पैराग्राफ आपको कितना समझ में आता है, वो किस तरह का पैराग्राफ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि हर बार पैराग्राफ आप एक नया लेंगे, अनसीन पैसेज नया लेंगे, और हर बार वो पैसेज आपको टफ लगेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करते रहेंगे तो करते रहेंगे, मैं कराता रहूँगा तब भी आपको एक अलग पैराग्राफ जो दूसरा आएगा वो भी टफ लगेगा। तो अब चूंकि बहुत सारे पैराग्राफ नहीं करा जा सकते ना, फिर तो तुम्हारे मन में ये बात आ जाएगी कि नहीं, अब हमको एक और कराया जाए, एक ये नया हमको नहीं आ रहा तो ये भी कराया जाए। तो वही बात हो गई ना कि हर पैराग्राफ में आपको कॉम्प्लिकेशन समझ में आएगी। तो पैराग्राफ को खुद सॉल्व करने, और पैराग्राफ को सॉल्व करने का जो मेथड है वो ये है कि उसमें आपको सिर्फ दो बातें याद रखिए कि पैराग्राफ के पूरे सेंस को कलेक्टिवली आप कलेक्ट करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इसके बाद क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस में जो बात पूछी जा रही है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने लैंग्वेज में, अपनी स्टाइल में, अपनी भाषा में अपना उसका जवाब लिखिए। बस ये दो बातें आपको सीखनी है, फिर पैराग्राफ कितने भी हो वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसे एक हमने किया, फिर दूसरा जहाँ से आया तो हमें फिर दिक्कत हुई, फिर हमने उसको भी करा दिया तो फिर तीसरे में दिक्कत हुई, फिर ये कॉम्प्लिकेशन बना ही रहेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि पैराग्राफ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ आज फिर करा दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आपको क्वेश्चंस मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चंस ये हैं कि व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क। लोगों का जो उनका काम होता है उस काम के विषय में लोगों की शिकायत क्या है, समझना जरा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो लोगों की शिकायत क्या है काम के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू गेट परफेक्ट हेल्थ। एक उचित स्वास्थ्य, एक उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू टू गेट परफेक्ट हेल्थ, एक उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। फिर है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन। जो स्वास्थ्य गिर जाता है, अस्वस्थता जो आती है उसके कारण क्या है, एंड व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। डी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हरीड एंड वरीड इफ ए मैन फॉलोज इट इन हिज लाइफ। यदि एक व्यक्ति चिंता और परेशानी को, जल्दबाजी को अपने जीवन में फॉलो करता है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है ई नंबर, व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द पैसेज माइनॉरिटी। माइनॉरिटी की जो अपोजिट मीनिंग है वो निकालना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पटी, और जो इम्पटी है उसका सिनोनिम्स निकालना है पैराग्राफ से ही। और वर्ड एपेंस, ये लास्ट में आपका अल्टरनेटिव है जिसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये तो क्वेश्चंस जो कि पूरा ये दिया हुआ है क्वेश्चन का ब्लॉक वो हमने पढ़ा। अब इसके बाद मैं पैराग्राफ बता देता हूँ कि अनसीन पैसेज है, पेज नंबर 15 का, अग्रवाल अनसॉल्व्ड है, ठीक है। चूंकि सेट में ईयर वाइज तो दिया नहीं है क्योंकि अभी इस तरह का कोई पेपर हुआ नहीं है, फर्स्ट ईयर है जो कि इस तरह का पेपर होने जा रहा है।
तो नए फॉर्मेट में जो पेपर आ रहा है वो अभी इसी वर्ष ही आ रहा है, इसलिए इससे पहले कोई सेट इस तरह का आया नहीं, इसलिए ईयर्स लिखे नहीं है। हाँ ये है कि सेट टू जरूर लिखा हुआ है। अब इसमें सेक्शन ए रीडिंग पहला पैराग्राफ अनसीन पैराग्राफ है, तो पेज नंबर 15 का पैसेज है ये, अनसीन पैसेज है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा मैनी पीपुल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, अनेक लोग शिकायत करते हैं कि अत्यधिक काम की वजह से उनका शरीर टूट गया है। ब्रेकडाउन का मतलब समझ लीजिए, ब्रेकडाउन का मतलब होता है शरीर का टूटना यानी स्वास्थ्य का बिगड़ जाना यानी बीमार पड़ जाना, ठीक है ना। ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी मशीन का कार्य करते करते बंद कर देना। ब्रेकडाउन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बाधित होती है किसी कारण से तो उसको भी ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ब्रेकडाउन इस हिसाब से उसका सेंस लिया जाता है तीन तरीके से, मतलब शरीर में मतलब किसी तरह से अस्वस्थता आना यानी अस्वस्थ हो जाना, शरीर का टूटना बीमारी आना, और ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी जो उसका बाधित होना, सप्लाई आपूर्ति जो बाधित होती है उसको ब्रेकडाउन कहते हैं। और कोई मशीन है अगर काम करते करते रुक जा रही है या बंद हो गई है ख़राब हो गई तो उसको भी ब्रेकडाउन कहते हैं। तो यहाँ पर है आपका शरीर का टूट जाना या अस्वस्थता आ जाना, तो अत्यधिक काम की वजह से उनका शरीर टूट जाता है, अस्वस्थता आ जाती है, ऐसा अनेक लोग शिकायत करते हैं। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे अधिकांश मामलों में, मेजोरिटी का मतलब बड़े मामलों में या कई अधिक ज़्यादा जानकार मामलों में, तो अधिकांश मेजोरिटी मैंने अधिकांश होता है, अधिकांश मामलों में द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिसली वेस्टेड एनर्जी। जो ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की गई ऊर्जा का परिणाम होता है, अर्थात बहुत सारे लोग अनावश्यक रूप से किसी गैर जरूरी काम में अपनी ताकत खर्च करते रहते हैं, लगे रहते हैं, मूर्खतापूर्ण ढंग से अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, ये प्रायः उसी का परिणाम होता है जो ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर इसके बाद इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माने होता है टेंशन यानी तनाव चिंता, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बिना तनाव के काम करना सीखना पड़ेगा या सीखना चाहिए। तो यदि आप अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको बिना तनाव के काम करना सीखना होगा। टू बिकम एंग्जियस और एक्साइटेड और टू वरी, अर्थात चिंतित होना, उत्तेजित होना और परेशान होना ओवर नीडलेस डिटेल्स, अनावश्यक कार्यों में। नीडलेस डिटेल्स का मतलब अनावश्यक बातें, अनावश्यक कार्य, तो अनावश्यक बातों में या कार्यों में चिंतित होना, परेशान होना और उत्तेजित होना इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, यही है अस्वस्थता को आमंत्रित करना। अगर हम अपने किसी काम में परेशान होकर चिंतित होकर के काम कर रहे हैं तो ये हम क्या है, बीमारी, किसी न किसी बीमारी या अस्वस्थता को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके बाद है वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे वो मस्तिष्क का हो या शरीर का हो, यानी वर्क चाहे वो शारीरिक हो मतलब मेंटल वर्क हो या फिजिकल वर्क हो, फिजिकल वर्क मतलब बॉडी का, मेंटल मतलब ब्रेन का, काम चाहे जैसा हो इज बेनिफिशियल, वो हमेशा लाभदायक होता है एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य वर्धक भी होता है, मतलब ये नहीं कि बैठे हो कुछ कर नहीं रहे हो तब भी बीमारी आएगी, अगर आप कुछ कर रहे हो, बॉडी में मूवमेंट बना रहता है, काम में लगे रहते हो, तो उससे स्वास्थ्य मतलब उससे शरीर स्वस्थ होता है, ना कि बीमारी आती है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टेडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो आदमी जो दृढ़ता और शांत लगन से काम करता है या कर सकता है, स्टेडी माने मजबूती यानी जिसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, और काम परसिस्टेंसी मतलब काम माने शांत, परसिस्टेंसी माने लगन, शांत लगन भी है लेकिन शांतिपूर्वक अपना काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति शांतिपूर्वक और दृढ़ता से काम कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी, वो समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है एंड वरी और परेशानियों से मुक्त रहता है एंड विद हिज माइंड अटरली ओब्लियस, और अपने मस्तिष्क के साथ पूरी तरह से भूल जाता है टू ऑल माने सारी चीज़ों को, तो वो पूरी तरह से अपने काम में लग जाता है, अन्य चीज़ों के बारे में भूल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपना काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरी बात में चिंतित है,
मतलब काम हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो बराबर माइंड पे स्ट्राइक करती है। तो जब आदमी लगन के साथ काम करता है तो बाहरी अन्य समस्याओं को वो भूल जाता है। तो ऐसा आदमी जो मतलब पूरी तरह से अपने ऑब्लिवस माने भुलक्कड़ होता है या भूलना होता है, अटरली माने पूरी तरह से होता है, तो विद इज माइंड अटरली ऑब्लिवस वो अपने माइंड से पूरी तरह निकाल देता है टू ऑल माने सर्च सभी चीजों को, बट द वर्क ही हैज इन हैंड, लेकिन उस काम पर वो ध्यान लगाता है जो उसके हाथ में होता है। तो वो आदमी जो सारी चीजों में भूल करके अपने उस काम में दिमाग लगाता है जो उस समय वो कर रहा होता है, तो विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन, तो उस व्यक्ति की अपेक्षा वो काम को शीघ्र ही पूरा ही नहीं करेगा। द मैन किस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंजियस, जो हमेशा चिंतित और जल्दबाजी में रहता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा वो काम को केवल जल्दबाजी से काम को आराम से और अच्छे तरह से पूरा ही नहीं करेगा, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा। ए बून जो एक वरदान है विच द अदर क्विकली फॉरफीट्स, जिसे अन्य लोग जल्दी से खो देते हैं। कहने के तात्पर्य भाव में समझा देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति लगन के साथ काम करता है, शांत मन से काम करता है, दृढ़तापूर्वक काम करता है, तो वो अन्य चीजों के बारे में भूल जाता है, अर्थात अन्य परेशानियों को दिमाग में नहीं लाता। ऐसा व्यक्ति अपने काम को पूरा ही भी कर लेता है और स्वास्थ्य को बचाए रखता है, उस व्यक्ति की अपेक्षा जो जल्दबाजी में काम करता है और परेशानी में काम करता है, उसकी अपेक्षा वो अपने काम को पूरा तो करता ही है, बल्कि वो रिटेन माने होता कायम रखना यानी मेंटेन रखना, वो अपने हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। तो ये था आपका यहाँ पर पैराग्राफ जिसको मैंने सेंस बताया। अब जैसे मैंने इसका सेंस आपको बता दिया है तो ये आपके लिए इजी हो गया, आप क्वेश्चन में बता रहा हूँ तो और इजी हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो गया और अच्छा हो जाएगा, बट आप नेक्स्ट पैराग्राफ उठाएंगे तो फिर उसमें आपको ये परेशानी आएगी। तो आपको सीखना क्या है इससे, फिर मेरे पैराग्राफ सॉल्व कराने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि यहाँ ये देखना होता है कि पैराग्राफ को सॉल्व कैसे किया जा रहा है, किस ढंग से करते हैं। यानी सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपको पैराग्राफ का पैसेज का सेंस आना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप सेंस को पकड़ने की कोशिश करिए। अब आप कहो कि सर हमें मीनिंग नहीं आती है, सर हमें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आता, हम ये नहीं, लेकिन आना पड़ेगा। और अगर मीनिंग नहीं आती है और सेंटेंस को आप कवर नहीं कर पा रहे हो, उसका जो सेंस है मीनिंग्स है पूरे पैराग्राफ को कलेक्टिवली आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये फिर हम क्या कहें इसको, मतलब यह तो प्रीवियसली कोई वीकनेस है जिससे कि आपने पहले से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि हमें मीनिंग याद करनी चाहिए, हमें सेंटेंस बनाना चाहिए, हमें टेक्स्ट बुक जब पढ़ाई जाती है तब उस समय हमें ध्यान देना चाहिए। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो पहले से आपने मेंटेन नहीं किया, तो आज वो वीकनेस के रूप में है। फिर भी कुछ पैराग्राफ अगर आपको कठिन लगते हैं तो वो कठिन होते नहीं है, आप एक बार पूरे मन से उसको समझने की कोशिश करिए, निश्चित तौर पर आपको 70-80% पैराग्राफ का सेंस आपको समझ में जरूर आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पैराग्राफ क्या कह रहा है। फिलहाल व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क, अनसॉल्व पैराग्राफ में देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्या है, ये ए नंबर है, ठीक है ना, लिखा हुआ है व्हाट इज द, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी किसी बच्चे के पास हो सकता है अनसॉल्व ना हो, इसलिए लिख रहा हूँ व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क। अब भाई ये क्लास तो है नहीं ना, जो जबरदस्ती डंडा उठाकर कह दिया जाए कि नहीं नहीं आपको अनसॉल्व खरीदना ही पड़ेगा, अब तो किसी के पास है किसी के पास नहीं है, लेकिन ये है कि समझ में सबको आना चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ। तो देखिए ना, कंप्लेंट माने शिकायत होता है, अबाउट देयर वर्क लोगों के अपने काम के बारे में उनकी शिकायत क्या होती है, तो यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, द कंप्लेंट ऑफ द पीपल अबाउट देयर वर्क इज दैट दे ब्रेक डाउन
देयर हेल्थ, हालांकि देयर हेल्थ नहीं लिखा जाए तब भी ब्रेकडाउन माने वही होता है, लेकिन ये है कि ये लिख देने से और एकदम क्लियर हो जाता है, देयर हेल्थ, और फिर लिखेंगे थ्रू ओवरवर्क, ठीक है। आगे और आप लिख सकते हो, यहीं से ले सकते हो आप कि दे वेस्ट देयर एनर्जी फुलिसली, दे वेस्ट देयर एनर्जी फुलिसली, मतलब ये शिकायत है उनकी कि अत्यधिक काम के कारण उनका स्वास्थ्य गिर जाता है और वो अपनी एनर्जी को मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद भी कर देते हैं। तो कंप्लेंट तो ये है कि अत्यधिक काम की वजह से उनका शरीर गिर जाता है, यानी स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है किस वजह से? अत्यधिक काम की वजह से। और अगर अत्यधिक काम की वजह से गिर जाता है शरीर, तुम जानते हो तो शिकायत क्यों कर रहे हो? लेकिन पैराग्राफ पूछता है कि व्हाट इज द कंप्लेंट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर कंप्लेंट क्या है? यहाँ मैनी पीपल कंप्लेन, अनेक लोग शिकायत करते हैं दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, के अत्यधिक काम की वजह से उनका, मतलब यहाँ नहीं बात समझो, वो जैसे नहीं कहते अरे भैया कहते आजकल आपकी सेहत बहुत खराब है, क्या बात है, बोले काम ज्यादा पड़ता है यार। तो वो उस तरह का सेंस है इसमें कि काम ज्यादा पड़ता, वो कह रहे हैं काम पड़ता है इसलिए खराब हो गया। लेकिन एक तरफ उसने कहा कि काम चाहे बॉडी का हो चाहे ब्रेन का हो, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये वो लोग शिकायत करते हैं जो काम करने का तरीका नहीं जानते हैं कि काम कैसे करते हैं, मतलब विद द स्टीडी इन काम परसिस्टेंसी, शांत भाव से, लगन से और दृढ़ता से, जब हम सब कुछ भूल जा करके सिर्फ उसी पर दिमाग लगाएं जो काम हम उस समय कर रहे हैं। और ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि आदमी के पास बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारे काम हैं, तो एक काम कर रहा होता है तो 10 काम की टेंशन उसके माइंड पर चल रही होती है, इस वजह से फिर वो कंप्लेन करते हैं। तो वही है कि दे वेस्ट देयर एनर्जी प्लसली। ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। तो अब यहां पर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट शुड बी डू टू गेट परफेक्ट हेल्थ, व्हाट शुड बी डू टू गेट, फिर लिखा परफेक्ट हेल्थ। परफेक्ट हेल्थ का मतलब है उत्तम स्वास्थ्य, और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो यहां देखिए क्या करना है, उत्तम स्वास्थ्य पाने के लिए यहां पर क्या लिखा, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माने तनाव होता है, आपको बिना तनाव के काम करना सीखना होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे टू गेट परफेक्ट हेल्थ वी शुड लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लिख दो चाहे टेंशन लिख दो, बट ये है कि अगर आपको फ्रिक्शन आता है तब टेंशन आपको आएगा दिमाग में, फ्रिक्शन ही नहीं आएगा तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको आएगा नहीं, बल्कि हमको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन अगर हमको पता है तो सीधे फ्रिक्शन लिख देना है, बस बात खत्म। तो देखिए ये लाइन वैसे मिल तो रही है, लेकिन अब यहाँ सीखने वाली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमारा किस मोड में है, शुड के मोड में है, व्हाट शुड वी डू, हालांकि यहाँ मस्ट लगा है, लेकिन हमें मस्ट नहीं लेना, मस्ट लेना है तो कॉपी हो जाएगी। अगर आपको इफ यू वुड यहाँ से लाइन उतार कर लिख भी रहे हो
तब भी आपको वो मजा नहीं आएगा, नंबर देने वाला आपको बहुत अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि आपने आंसर तो उसी लाइन में है और आपने लाइन भी पूरी वही उतार दी है, लेकिन आपने उतार दिया है, कॉपी कर दी है। आपको क्या चाहिए कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें जो बात बताई गई है वो यहाँ पे लानी है, ना कि सेंटेंस लाना है। तो जो बात वहाँ बताई गई है कि हमें अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना है या हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है तो हमें बिना तनाव के काम करना चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, टू गेट परफेक्ट हेल्थ, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वी शुड लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, हमें बिना तनाव के काम करना चाहिए। तो तब इसमें आपकी स्मार्टनेस दिखेगी और ये लगेगा कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो और अच्छी तरह से आप दे सकते हो। तो यहाँ पर ये तरीका अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये एक दूसरा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे को। तो तीसरा लिखा हुआ है, व्हाट आर द कॉजेज, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है फिर भी मैं लिखूंगा जरूर, व्हाट आर द कॉजेज, क्योंकि जिनके पास अनसॉल्व नहीं है उनको भी पूरा पैराग्राफ मिल जाए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन, ऑफ ब्रेकडाउन, मैं आंसर लिखूंगा, आपको समझना है कि आंसर को किस तरह से मॉडिफाई किया जा रहा है, ब्रेकडाउन, एंड व्हाट शुड वी डू, एंड व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड दिस सिचुएशन। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है अवॉइड, बचना, टालना, रोकना, स्टॉप भी होता है। दिस सिचुएशन, क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेकडाउन के कारण क्या है, कॉजेज माने कारण, एंड व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन ऐसा अर्थात ऐसे कारणों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आंसर देखिए कैसे लिखा जाएगा, आंसर देख लीजिए, लिखेंगे एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, तुम पैराग्राफ पे नजर रखो और देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूं, कहां से लगभग लिख रहा हूं, ये चीज आपको पकड़नी है। मतलब एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट एंड वरी आर द कॉजेज ऑफ ब्रेकडाउन। फिर एंड लिखा है, एंड। तो यहां पर अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ब्रेकडाउन के कारण क्या है, तो यहां पर क्या लिखा है, टू बिकम एंग्जियस, एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। अगर हम चिंतित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, परेशान होते हैं अनावश्यक कार्यों में, ठीक है ना, तो इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। तो यहां पर लिखा है कि एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट एंड वरी, और चाहे तो आप यहां जोड़ सकते हैं इस जगह पर ओवर नीडलेस डिटेल्स, यहां पर ऐसे जोड़ सकते हैं। अब क्या एंग्जाइटी, एक्साइटमेंट एंड वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, और अगर नहीं भी जोड़ते हो तो ये वो तीन चीजें हैं जो ब्रेकडाउन के कारण है। तो ये नहीं कि आपने इसको नहीं लिखा तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तीनों नहीं होंगे तो अंक नहीं मिलेंगे। लेकिन अब वहां पर लाइन देख लो, लाइन आपकी ये है, लाइन ये है, ठीक है ना ये, लेकिन उसको किस तरह से हम ले रहे हैं आंसर में, किस तरह से आंसर, वो कॉजेज पूछ रहा है। अगर आपने एक्साइटेड लिख दिया, एंग्जियस लिख दिया और वरी लिख दिया तो वो चीज वहां पर नहीं आएगी। देखिए यहां पर ये एंग्जियस एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये इन्फिनिटिव यानी वर्ब है, लेकिन मैंने तीनों को नाउन बनाया हुआ है, एंग्जाइटी नाउन है, एक्साइटमेंट नाउन है और वरी नाउन है, यही तीनों कारण है। तो हमको बस ये सीखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हम कैसे दें। आंसर तो हमारा पैराग्राफ में ही होता है, लेकिन हम उसको बनाएं कैसे, सजाएं कैसे, कवर कैसे करें कि हम इसको एक अच्छा आंसर दे सके, जिस तरह से वो पूछता है सटीक उसी फ्लो में और उसी स्ट्रक्चर में उसका आंसर मिल जाए उसको। तो ये आपका ये हो गया। आप कह रहे हैं
कि व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड दिस सिचुएशन, एंड अब आगे जोड़ देंगे एंड टू अवॉइड दिस सिचुएशन, एंड अवॉइड दिस सिचुएशंस, अवॉइड द सिचुएशन वी शुड be free from these harmful conditions. अब देखिए क्या करना है कि इनसे बचने के लिए, इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा. वी शुड बी फ्री फ्रॉम दीज हार्मफुल कंडीशंस, इन हानिकारक दशाओं से, स्थितियों से हमको आजाद होना पड़ेगा. मतलब इनसे हम फ्री होकर काम करें. तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वी शुड बी फ्री, और फिर टू डू अवर वर्क, और वी शुड डू, ऐसे भी कह सकते हो वी शुड डू अवर वर्क फ्रीली फ्रीली फ्रॉम दीज हार्मफुल कंडीशंस, अर्थात इन हानिकारक दशाओं से स्वतंत्रता पूर्वक रहकर हम अपने काम को करें. यह केवल इतना लिख दें कि वी शुड बी फ्री फ्रॉम दीज हार्मफुल कंडीशंस, हम इन हानिकारक दशाओं से, स्थितियों से आजाद होकर रहें, तो फिर हम इन सिचुएशन से बच सकते. या वी शुड लर्न टू बी फ्री, हमें इनसे आजाद होकर होना सीखना चाहिए, तब हम इन चीजों से बच सकते हैं. उसमें आगे लिखा भी था यहां पर कहीं पर कि हमें इनसे फ्री होना पड़ेगा. जब हम फ्री होकर के काम करेंगे, ये लिखा है फ्रीड फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी. तो ये चीज देखिए, हर प्रकार की चिंता से आप मुक्त रहिए, एंड वरी और परेशानी से मुक्त रहिए, तब आप ये काम कर पाओगे. अब देखिए यहां पर क्या है ना लिखा हुआ है कि टू अवॉइड दिस सिचुएशन, ये तो हो गया. अब इसमें आगे आप और जोड़ सकते हो कि वी शुड डू आवर वर्क विद द स्टेडी एंड काम परसिस्टेंस. हमें अपना काम दृढ़ता और शांत लगन से करना चाहिए, दृढ़ता से करना चाहिए और शांत लगन से करना चाहिए. जब हम दृढ़ता से और शांत लगन से अपना काम करेंगे तो इन सिचुएशन से बच जाएंगे. शांत लगन, काम में लगन भी हो और हमारा माइंड जो मस्तिष्क है वो शांत भी हो. जब हम ऐसा काम करेंगे, शांत भाव से काम करेंगे, तो फिर हम चिंता से, उत्तेजना से और परेशानी से बच जाएंगे. और जब इनसे बच जाएंगे तो ब्रेकडाउन से बच जाएंगे. तो ये यहाँ पर पैराग्राफ वो समझाना चाहता है. तो इस तरह से इसमें ये लाइन भी जोड़नी जरूरी है ताकि आपका आंसर पूरी तरह कंप्लीट हो जाए. तो ये था आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन था ये. अब चलते हैं डी नंबर की तरफ. तो डी नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हरीड एंड वरीड इफ ए मैन फेलोज, लिखा है लेकिन फॉलोज होता है. डी नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ हरीड एंड वरीड. अब देखो आंसर पूछने को, क्वेश्चन पूछने को वो कैसा पूछता है, क्वेश्चन की बनावट क्या होती है, ये आप समझो. वो तो पूछ बैठा, अब तुम उसको कैसे डील करते हो. इस जगह पर अनसॉल्व्ड में फेलोज लिखा है,
वो फेलोज नहीं है, वो फॉलोज है। इफ ए मैन फॉलोज इट इन हीज लाइफ। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि जल्दबाज और परेशान व्यक्ति, ठीक है ना, यह जल्दबाजी और परेशानी का क्या प्रभाव होगा यदि इन चीजों का कोई आदमी अपने जीवन में फॉलो करता है। अर्थात कोई आदमी जब जल्दबाजी और परेशानी को अपने जीवन में फॉलो करता है, उसको लेकर चलता है, जल्दबाजी में काम करता है और परेशान रहता है, तो उसके जीवन में इसका असर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब है तो सब कुछ यहाँ पर आया भी है। यहाँ पर देखिए हरीड एंड एंग्जियस आया हुआ है, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंग्जियस बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ। तो लेकिन ये उसकी बात की जा रही है जो काम परसिस्टेंसी के साथ काम करेगा। वो तो वो क्या करेगा, वो सारा काम अपना समय से पूरा भी कर लेगा और अपने हेल्थ को मेंटेन भी रखेगा। तो लेकिन जो चिंतित और परेशान रहेगा वो क्या करेगा, वो सारा काम समय से अपना पूरा नहीं कर पाएगा और साथ ही क्या करेगा, वो अपने स्वास्थ्य को भी खो देगा, अपना हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो देखिए उल्टा पूछा उसने, उसको पूछना चाहिए था कि जो काम परसिस्टेंसी के साथ काम करता है, शांत लगन से और दृढ़ता से काम करता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में, ये पूछना चाहिए था। तो उसका आंसर ये होता है कि जो शांत लगन से काम करता है वो काम को अच्छे समय से पूरा कर लेता है और साथ में अपने स्वास्थ्य को भी बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हु इज ऑलवेज वरीड एंड हरीड एंड एंग्जियस, उसकी अपेक्षा वो काम पूरा कर लेता है। इसका मतलब है कि जो हमेशा हरीड एंड एंग्जियस रहता है वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो उल्टा पूछा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अलग टाइप का आंसर देना पड़ेगा। बस देखो पैराग्राफ में यही समझना है कि ये पूछ क्या रहा और किस तरह से पूछ रहा। हो सकता है जो चीज़ नहीं लिखी वो पूछ रहा है। अब तुम सोच रहे हो कि जो चीज़ नहीं लिखी वो हम कैसे बताएंगे, बता पाओगे? जो चीज़ नहीं लिखी उसी को समझना है, उसका जब भाव ले लोगे पूरा समझ जाओगे तब आप आंसर बिल्कुल दे पाओगे, आराम से दे पाओगे। लेकिन अगर भाव नहीं समझ पाए, जैसे इसी लाइन को आप समझ नहीं पाते तो आपको पता नहीं चलता कि वो जो पूछ रहा है वो हमको कहाँ से देना है। कुछ क्या करेंगे, कुछ जैसे इतना लिखेंगे तो हो सकता है वो इधर से पूरा उतार दें, लेकिन जब वो उधर से पूरा उतार देंगे तो वो आंसर नहीं आएगा जो वो पूछ रहा है, ये पक्की बात है। और आप सामने मैं पहले आंसर लिख देता हूँ तब आपको इसको कंपेरिजन कर पाओगे कि बात सही है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे इफ ए मैन is hurried and worried in his work, तब लिखेंगे he will not be able to retain his health which is boon, and he will quickly lose it। आंसर क्या है, वो कहता है कि यदि आदमी परेशानी और जल्दबाजी को अपने जीवन में फॉलो करता है, लागू करता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। इफ ए मैन इज हरीड एंड वरीड इन हिज वर्क, यदि व्यक्ति कोई अपने काम में जल्दबाज है और परेशान है, तो ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, तो वो अपने स्वास्थ्य को बचा नहीं पाएगा, विच इज बून, जो कि एक वरदान है, एंड ही विल क्विकली लूज इट, और वो शीघ्रता से इसको खो देगा। अब आप मिला लीजिए, यहां पे लिखा है एंड द अदर क्विकली फोर फीट माने होता है खो देना, गंवा देना, फोर फीट्स माने, तो यहां पर गंवा देता है दूसरा व्यक्ति एक वरदान, जिसे कहते हैं, किसको कहते हैं, स्वास्थ्य को कहते हैं। स्वास्थ्य को क्या करते हैं, वो बचा लेगा, कौन बचा लेगा, जो काम परसिस्टेंसी के साथ काम करता है वो बचा लेगा, किसकी अपेक्षा,
जो व्यक्ति हमेशा जल्दबाज और परेशान रहता है। तो जो जल्दबाज परेशान रहता है वो बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। तभी मैंने लिखा ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, वो अपने स्वास्थ्य को नहीं कायम रख पाएगा। कौन सा स्वास्थ्य? विच इज बून, जो वरदान है, एंड ही विल क्विकली लॉस इट। यहां पर देखिए उल्टा क्वेश्चन किया है, और इन चीजों को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो पैराग्राफ फिर आपके लिए एक बड़ा विषय और एक कठिन विषय हो जाएगा। तो इन चीजों को समझना है। तो मैंने जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया, अब ये वाला हो गया, तब आप नेक्स्ट बोलोगे सर और आगे कराना है, तो आगे कराना है तो पूरा मैं कराता तो रहूँगा जैसे मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन ये है कि अगर तुम सीखोगे नहीं तो एक वही कर पाओगे जो मैं बताऊँगा, फिर आगे वाला आपके लिए फिर टफ समझ में आएगा, फिर आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। इसलिए आप वो बात मेरी समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ, कि आप पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए, पढ़ करके उसका भाव समझिए, और समझने के बाद फिर क्वेश्चंस देखिए, और फिर अपने आप घर में प्रैक्टिस करिए, तो तब तो आप इसको पकड़ सकते हो, वरना पैराग्राफ हमेशा आपके लिए एक परेशानी बनी रहेगी, एक चैलेंज बना रहेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, और क्वेश्चन है अभी तो, और ज़्यादा क्वेश्चन तो, अब देखिए यहाँ पर ये चार क्वेश्चन कराए गए, और ये चारों क्वेश्चन तीन तीन नंबर के हैं, और ये आपके 12 नंबर कवर हो गए। अब बचते तीन नंबर के तीन क्वेश्चन, जो कि ई का फर्स्ट पार्ट है। ई का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कहता है कि व्हाट इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग इन द पैसेज माइनॉरिटी। तो मतलब अपोजिट ऑफ माइनॉरिटी पूछ रहा है। अपोजिट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है ना? माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यकता या अल्पसंख्यक, यानी जिसमें कम संख्या हो, कम चीज हो, उसको माइनर बोलते हैं। माइनर माने कम भी होता है, माइनर माने छोटा भी होता है, एक माइनर अलग होता है। कभी कभी इसमें होमोफोन्स पूछा जाता है, ऐसे करके ऐसे पूछा जाता है, ऐसे इसमें ओ आर होगा, इसमें ई आर होगा। तो ये माइन से बनता, माइन माने होता है खान, जैसे कोयले की खान, सोने की खान, हीरे की खान, ऐसे करके होता है। तो वो ये होता है खान कर्मी, जो खान में काम करता है उसको खान कर्मी कहते हैं, ठीक है। ये माइन से बना है जिसमें आर जुड़ा हुआ है। ये माइनर पूरा अपने आप में एक शब्द है, जिसका माइनर का मतलब होता है छोटा और या कम होता है। तो ये होमोफोन्स के नजरिए से भी इसको इंटरमीडिएट स्तर पर आना चाहिए, ठीक है ना? डिफरेंस पता होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये किस सेंस में लेकर के काम कर रहा है। तो ये हो गया आपका माइनर। तो अब यहाँ पर ये दिया गया है, तो कम संख्या को माइनर यहाँ पर लिया गया है, तो अल्पसंख्यक या थोड़ी संख्या के रूप में यहाँ पर है। तो माइनॉरिटी का जो अपोजिट है आपके पैराग्राफ में आया मेजॉरिटी। मेजॉरिटी माइनर का अपोजिट होता है मेजर। मेजर माने बड़ा होता है या अधिक होता है, तो माइनर माने छोटा या कम होता है, मेजर माने बड़ा या अधिक होता है। तो माइनॉरिटी नाउन बन गई, मेजॉरिटी भी नाउन बन गया। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट वर्ड इन द पैसेज मींस एम्प्टी, यानी दूसरा क्वेश्चन है एम्प्टी मींस क्या होता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे, नहीं मिलेगा, तो ये इसको सेंस में लेना पड़ता है। एम्प्टी की मीनिंग वेस्टेड नहीं होती है, वेस्ट माने बर्बाद करना होता है, एम्प्टी मीन खाली होता है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि एम्प्टी को वेस्ट इसलिए लिया जा रहा क्योंकि यहां और कोई आपका कोई शब्द ऐसा नहीं है जो एम्प्टी के मतलब सिमिलैरिटी में हो। तो यहाँ पर एम्प्टी का वेस्टेड इसीलिए क्योंकि एम्प्टी माने खाली, अर्थात कोई चीज़ वेस्ट हो गई, चली गई, बर्बाद हो गई, वो एम्प्टी मानी जाती है, अर्थात वो चीज़ खाली हो गई। जैसे धन है आपकी जेब में पड़ा है, आपने वेस्ट कर दिया, आपकी जेब खाली हो गई, इसलिए एम्प्टी को। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिन्हें तलाशना, जिन्हें ढूंढना बहुत बड़ा काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। आप यहाँ पर ढूंढते रहोगे कि एम्प्टी की मीनिंग क्या है, ढूंढ कर थक जाओगे, जब नहीं मिलेगा तो कोई भी ऐसा शब्द जिसकी मीनिंग आपको पता ना हो, पता नहीं आपको परसिस्टेंसी नहीं पता, ओब्लियस नहीं पता, अटरली नहीं पता, एंजिस नहीं पता, या ब्रेकडाउन नहीं पता, या फ्रिक्वेंटली नहीं पता, नीडलेस नहीं पता, कोई ऐसी चीज़ नहीं पता, फोरफिट्स नहीं पता, पता चले आपने उसी को लिख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मीनिंग बहुत बड़ी पूछी जाए, वो एम्प्टी का इस तरह से पूछ दिया उसने कि अगर बच्चा अच्छी तरह से समझेगा और दिमाग लगाएगा तभी लिख पाएगा। तो ये आपका एक नंबर का, ये एक नंबर का, ये इजी था, ये टफ था,
तो इम्पटी का ये वेस्टेड कुछ ऐसे शब्दों के लिए भी, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस विद द मैन इफ द वर्क्स द लिखा है, वो द नहीं है वहाँ पे ही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर ई का पॉइंट नंबर थ्री में जो इफ के बाद द लिखा है वो द नहीं है वो ही है। व्हाट हैपेंस विद द मैन इफ ही वर्क्स इन हेस्ट एंड एक्साइटमेंट। अब हेस्ट माने क्या होता है, जल्दी होता है, और जल्दी कहाँ लिखा हुआ है, हरीड ये लिखा हुआ है हेस्ट माने, और एक्साइटमेंट अगर कोई व्यक्ति जल्दबाजी में और उत्तेजना में काम करता है तो क्या होता है। चार ऑप्शन दिए हैं, एक ब्रेकडाउन दिया है, नर्वस दिया है, और इरिटेटेड दिया है, और कूल डाउन लिखा है। तो पहला दिया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब होता है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना, नर्वस का मतलब घबराना या परेशान हो जाना, उदास हो जाना, इरिटेटेड माने चिड़चिड़ा हो जाना, क्रोधित होना, और कूल डाउन का मतलब शांत हो जाना या ठंडा हो जाना। तो कूल डाउन का मतलब यही है कि जो क्रोध आ रहा है या उत्तेजित है वो शांत पड़ गया। तो अब यहाँ पर जल्दबाजी में और उत्तेजना में काम करने से क्या होगा बताइए, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देंगे तो ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा होगा वो ऑप्शन ए चुना जाएगा, यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन है और उसमें लिखा है ब्रेकडाउन। हालांकि जो दूसरा ऑप्शन लिखा है वो दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ आपका नर्वस, जो तीसरा ऑप्शन लिखा है वो लिखा इरिटेटेड, इरिटेटेड, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ यहां पर कूल डाउन। कूल डाउन लिखा, तो यहां पर अगर आप जल्दबाजी में काम करते हैं, हेस्ट एंड एक्साइटमेंट लिखा है, क्या होगा, क्या होता है उस आदमी का जो जल्दबाजी और उत्तेजना में काम करता है, तो क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ये ऑप्शन आपका सही है, और ये रहा आपका सॉल्व्ड पैराग्राफ। तो इस तरह से आपको मैंने ये बताया, उम्मीद है कि आपको पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, उसके क्वेश्चन के आंसर भी समझ में आ गए होंगे, और मेरी जो बात है कि पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका क्या है शायद वो भी समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं लास्ट में एक बार और कहता हूँ कि हर पैराग्राफ का सेंस अलग होता है, उसके वर्ड्स, उसके मीनिंग्स, उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो वर्ड्स उसमें आते हैं सब डिफरेंट होते हैं, सब कुछ एक जैसा नहीं होता, तो क्वेश्चन भी डिफरेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का जो मेथड है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ऐसे हर पैराग्राफ आपको टफ लगेगा। लेकिन अगर आप जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला काम है आप पैराग्राफ को बेहतर ढंग से समझिए, वो क्या कह रहा है, किस विषय में है, किस व्यक्ति या वस्तु या सिचुएशन किसके बारे में है, पहले पूरा ये अर्थ लेने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए, पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करिए, एक बार में ना है दोबारा पढ़िए, टाइम वो तीसरी बार भी पढ़ सकते हो, आंसर ढूंढने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, क्वेश्चंस जब पढ़ लें तब पैराग्राफ पढ़ें, फिर इसके बाद आपको जहां पर आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और इसका आंसर यहाँ हो सकता है तो उस लाइन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से। लेकिन लास्ट में वही कि आपका अपना तरीका, बात कहने का ढंग, आपकी अपनी भाषा, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तभी वो आपको सही आंसर मिल पाएगा और सही आंसर लिख पाओगे। अगर आप पैराग्राफ से लाइन उतारने की आदत डाल रखे हो तो इसका कोई खास लाभ नहीं है, आपका आंसर गलत भी किया जा सकता है। अगर तुम अपने कॉमन सेंस में आप सोचो कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने लाइन उतार दी तो खुद आप सोचो जरा कि उसमें कितने अंक मिलेंगे। हो सकता है कि किसी टीचर का कोई अपना दया भाव है तो उसने आपको एक नंबर दे भी दिया, लेकिन ये तो माना आपका जरूर कहेगा कि मैंने ऐसा किया है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो मुझे तीन नंबर के क्वेश्चन में तीन नंबर पूरे दे दे, ये हर बच्चा जान रहा होता है। लेकिन जब नहीं आता है तो वो यही समझ के करता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अरे तीन नहीं आएंगे शायद एक ही दे दे, बस इस उम्मीद में वो कर देता है। लेकिन उसको तीन न देगा एक तो दे देगा ये सोच लेकर के पढ़ाई करेगा, तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं करे तो बेहतर है। उसको 100% परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करनी चाहिए और यही माइंड पर रखना चाहिए प्रिपरेशन के समय, काम चलाओ करने की बात है तो वो तो ना पढ़े तब भी कर लेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अब
इसको फिर से दोबारा देख करके आप इसको रिवीजन कर सकते हैं और आगे की क्लास के लिए, क्योंकि मैं आगे कल की जो क्लास रहेगी समथिंग डिफरेंट रहेगी, कुछ उसमें एकदम से नया मिलेगा आपको, और तब तक के लिए आप वेट करिए, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।